हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एलोवेरा पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि सुबह पानी पीना चाहिए, एक डेढ़ गिलास पानी पीना चाहिए। कुछ लोग नॉर्मली पानी पीते हैं, कुछ लोग नींबू पानी पीते हैं, कुछ थोड़ा सा गर्म करके यानी लुकी वॉर्म करके उसको पानी पीते हैं। इनके भी बहुत फ़ायदे हैं। जो नॉर्मली पी रहे हैं ये नहीं कह सकते कि इनके फ़ायदे नहीं हैं, कि ये बॉडी को डिटॉक्स नहीं करता, करता है। लेकिन जिनको भी अगर स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि उनको पिंपल्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, या फिर जिनका ब्लड प्योर नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि जिनके खारिश होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और रेडनेस आ जाती है, कुछ लोगों के धब्बड़ हो जाते हैं, या फिर स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हैं, या फिर जिन लोगों को पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता या उनको पेट दर्द रहता है, इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम है जिनको, वो बजाय सिंपल पानी या नींबू पानी पीने के एलोवेरा पानी पिए। अब आगे जानते हैं कि इसके और क्या फ़ायदे हैं और इस एलोवेरा वाले पानी को पीना कैसे है, इसके बारे में। एलोवेरा का पौधा केवल रूप ही नहीं, निखारता भी है आपको, अपितु आपके स्वास्थ्य के लिए भी। आपको अकेला रूप कोई नहीं निखारता, बल्कि आपको स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सहायक है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में प्राचीन काल से ही हो रहा है, जिसके कारण इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे ग्वारपट्टा, धृत कुमारी आदि। एलोवेरा के रस में कई रासायनिक तत्व होते हैं जो आपको स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं। एलोवेरा में एमिनो एसिड, एंजाइम, विटामिन्स, मिनरल्स, फैटी एसिड जैसी 200 ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जिस कारण इनका इस्तेमाल कई सारी बीमारियों को घर पे ही ठीक करने में किया जाता है। अब जानते हैं इसके यूज क्या है और इस एलोवेरा वाले पानी को कैसे और कब लेना है। कंट्रोल करें कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर। रोज एलोवेरा का जूस पीने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती हैं। अगर आपको मधुमेह से की शिकायत है तो रोजाना एलोवेरा का जूस का सेवन करें, इससे मोटापा भी कम होता है। एलोवेरा जूस में काफ़ी मात्रा में विटामिन और खनिज तत्व होते हैं, जिस कारण से स्वास्थ्य के लिए यह काफ़ी फायदेमंद होता है। कब्ज। एलोवेरा का इस्तेमाल उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है जिनकी पाचन क्रिया खराब होती है। पाचन क्रिया खराब होने की वजह से लोगों को कब्ज की शिकायत यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, जिसके कारण लोगों का वजन बढ़ने लगता है। कब्ज की शिकायत रहने पर रोज सुबह खाली पेट आधा गिलास एलोवेरा का जूस पिए। आप चाहें तो एक चम्मच एलोवेरा का जूस सब्जी में मिलाकर भी खा सकते हैं, जिससे खाना अच्छे से पचता है और पेट की बीमारी दूर होती है। शरीर को डिटॉक्स करें। गर्मियों में एलोवेरा का जूस आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ये एक नेचुरल क्लिंजर है जो शरीर को नेचुरल तरीके से साफ करता है। गर्मियों में शरीर को डिटॉक्स करने के लिए रोज सुबह खाली पेट एक गिलास एलोवेरा जूस पिएं। ये आपके शरीर को ठंडा भी रखेगा और डिटॉक्स भी करेगा। इससे चेहरे पर निखार भी आएगा और चेहरे के मुहासे भी ठीक हो जाएंगे। पेट की बीमारी दूर करें। दिन में रोज 3 बार एलोवेरा का जूस पीने से पेट की बीमारी दूर होती है। ये अपने बताएंगे कि ये मतलब अब जिनको पेट की बीमारी है उनको 3 बार पीना है, तो आपको सुबह, लंच के पहले और डिनर के पहले पीना होगा।
और 15 मिनट का गैप रखना है खाने में। इससे पेट के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे आंतें सुरक्षित रहती हैं, पेट की अंदरूनी सफाई हो जाती है, इससे डायरिया की समस्या नहीं होती, पेट के कैंसर की समस्याएं भी नहीं होती। अब आप जानते हैं कि अब आपको मैं बता रही हूँ कि इसको लेना कैसे है। तो इसको सुबह के टाइम लेना है। एलोवेरा के जूस को आपको एक गिलास पानी में 2 चम्मच एलोवेरा जूस को मिक्स करके लेना है। एलोवेरा जूस जो आ रहा है वो आप बाबा रामदेव का खरीद सकते हैं, और उसको एक गिलास पानी के अंदर, जैसा भी पानी आता है नॉर्मल टैब से आरओ से जैसा भी पानी आता है, उसमें आप 2 चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर पिए। जिनको भी पेट से संबंधित बीमारी है उनको 3 टाइम पीना है। तो आपको 1 चम्मच सुबह मॉर्निंग में खाली पेट, 1 चम्मच 15 मिनट लंच के पहले, 1 चम्मच डिनर के पहले 15 मिनट पानी में मिलाकर पीना है। सुबह 1 गिलास पानी में और लंच के पहले आधा आधा गिलास पानी में मिक्स करके पिए, और अपने बॉडी को भी डिटॉक्स करें, हेल्थी भी रहें और स्किन को भी हेल्थी रखें। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन एलोवेरे वाला पानी पीने की। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।